जो ग्रीन डॉलर शो करता था वो कहीं शो ही नहीं कर रहा है। वो बाहर काम करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अब वीडियो हम लोग नहीं बना पाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। सच में हम बर्बाद हो गए। दोस्तों, कल रात को ही मेरे पास ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद मैं तो हैरान रह गया और सोच पा रही आखिर मेरे साथ ही हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पर मेरा जो है येलो डॉलर जो होता है शो नहीं कर रहा था, ऑटोमेटिक वो गायब हो गया। और यहाँ पर ही नहीं, और मैंने तुरंत जाके YT स्टूडियो मतलब क्रोम में खोला, वहाँ भी देख रहा हूँ तो शो ही नहीं कर रहा है। ऐसा देखते ही तो मैं तो लगे कि क्या बोले, चक्कर आने लगे, होश उड़ गया मेरा। तो फिर हम सोचे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सब आप लोग का ही देन है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे इस टाइप में, टकला तुम ऐसा है तो वैसा है, रूबी ऐसी है वैसी है, बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे, तुम लोग वीडियो मत बनाओ, क्यों बनाते हो वीडियो, तो झूठ बोलते हो, ऐसे सारे कितने जो है सवाल थे आपके, जो कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा लगता है कि कहीं आप लोग जो है निगेटिव बोल रहे थे उसी का हमें जो है कुछ असर देखने को मिला है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों भगवान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ सिर्फ इसी के बदौलत हूँ, और जो भी घर चल रहा है मेरा इसी से चल रहा है, नमक भात जो चल रहा है, और मेरे पास कुछ अभी सहारा नहीं है। आप लोग बार बार ये भी कह रहे थे कुछ काम धंधा नहीं करता है, कमाओ इससे कुछ नहीं होता है, शायद आप लोग सही कह रहे थे। और अब मेरा वही दिन आ गया है, अब लगता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही बर्बाद हैं। और दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लड़का बाहर में क्यों आकर वीडियो बना रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। अगर मैं दादी बाबा के बता देता हूँ तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा, प्लस में उनको ये पता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अभी सिर्फ यूट्यूब के पैसे से ही कर रहे थे, जो कुछ हमारे पास आ रहे थे पैसे, ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा, लेकिन जो कुछ आ रहे थे सिर्फ हम यूट्यूब के सहारे कर रहे थे, और वो भी यही जानते हैं काम नहीं करता है, सिर्फ इसी से इसका घर रोजगार थोड़ा जो चलता है बहुत वो चलता है। पता नहीं आप लोग क्यों मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, और बार बार बोलते हैं तोतला बोलता है, बोलने नहीं आता है, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, ऊपर वाले ने इस टाइप पर बनाया है जिस टाइप में बोलता हूँ, और आखिर मेरे पास कोई मशीन तो है नहीं ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ, और बस कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और कोई भी चीज़ है जो हम लोग बोलते हैं वो पहले लिख के नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, उसे कहीं भी लिखते नहीं हैं, तो ऐसे में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो होते रहता है, बुलाया जाता है। दोस्तों, ये जमान ही है ना, कंप्यूटर तो नहीं है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे लिखते रहते हैं बार बार, और हेट कमेंट तो इतना करते हैं आप लोग, जैसे कि मेरे से कोई पुरानी दुश्मनी हो जो आप लोग निकाल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग को ये यकीन नहीं होगा कि हमने जो ये बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, तो इसके लिए जो है मैंने कल रात को एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था, जो कि मैं आप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए पहले। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल की स्क्रीन में जो ग्रीन डॉलर शो करता था वो कहीं शो ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, एक वीडियो पर नहीं किसी भी वीडियो पर शो नहीं कर रहा है, इससे मैं ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, कहाँ गया मेरा ग्रीन डॉलर, यानी मोनेटाइज बंद कर दिया यूट्यूब, अब पता नहीं क्या होगा, कहीं भी नहीं शो कर रहा है, कोई भी वीडियो पर शो नहीं कर रहा है। दोस्तों, पता नहीं क्या होगा मेरा करियर। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तो समझ गए होंगे मेरे साथ रात में ही हुआ था ऐसा, कल रात को मैं एकदम नहीं सो पाया, फिर सोचा कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, फिर रूबी को मैंने बताया, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना ज़्यादा रो रहे थे कि जो मैं क्या बोलूं, वो तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और अभी हम गांव में हैं, यहाँ पर जो है इंटरनेट भी नहीं चलता है बढ़िया से, बहुत दिक्कत होता है। फिर मैं तो मकसद ये था कि वीडियो ना बनाएं, लेकिन रिव्यू का नाम था कि जी नहीं,
ऐसा हुआ है आपके साथ, वीडियो बनाइए, क्यों नहीं वीडियो बनाइएगा, तो वही कहे तो हम फिर वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि खुद हम अभी टेंशन में हैं और इतना टेंशन में जी रहे हैं जो हम क्या बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग रूबी के बारे में बार बार हेट कमेंट करते हैं, वो रीच पगली है, ये है वो है। दोस्तों पहले रीच नहीं थे, अभी बने हैं, जस्ट 2 साल पहले इनका भाई का नौकरी लगा है इंजीनियर में, छोटे भाई का, उसके बाद ही जो कुछ हो रहा है, इसके पहले कुछ नहीं था। आप लोगों ना मेरा पिछला वीडियो पलट कर देख लीजिए, सालों पहले का क्या स्थिति थी इनके घर की, अभी जो स्थिति है कैसी है, तब शायद आपको समझ में आएगा। आप लोग यही बोलते हैं पगली इतना पढ़ी लिखी है, बोलने नहीं आता है, ये है वो है। तो दोस्तों अचानक से कोई कुछ नहीं करता है, धीरे धीरे ही कुछ होता है ना। आप लोग ना पहले रूबी का जो रो रो का बुरा हाल है एक बार देख लीजिए, मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो हमको बहुत बुरा लगा। हेलो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम आपसे बात करें। जब हम कल रात को इनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा कूदने लगे और बहुत अफसोस भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रूबी देखो ना प्रचार नहीं दे रहा है वीडियो पे, और ये सुनने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उस टाइम भी ना डुगू बहुत रोने लगा, तो हम रात को उतना से बात नहीं कर पाए। लेकिन जब सुबह बात किए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, नहीं पता भगवान ऐसा क्यों कर रहा हमारे साथ, एक यही जरिया है जो हम इसे कमाते खाते थे, और उसे भी पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया है, भगवान क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अच्छा हो नहीं रहा है, और प्लस में लगता है कहीं कहीं ना कि ये हमारी ही गलती हो सकती है, क्योंकि आप सब हमें बहुत बहुत ही सब बोल भी रहे थे कि ऐसी है वैसी है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो वीडियो भी नहीं बना रहे थे, बहुत टेंशन में थे। फिर हम उनको समझाएं कि ऐसे हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे समझेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप सब हमेशा एक ही चीज़ को लेकर बार बार बोलते रहते हो, एक बार ट्राई तो करो कैसे क्या होता कैसे बनता है। सब कहते हैं काम नहीं करते हो, अब आपको अच्छा लगेगा, वो बाहर काम करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं क्या सोच सोच के आप लोग ऐसा बोलते रहते हो, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और वो यहाँ पे है नहीं, वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आपने देखा रूबी का हमसे बुरा हालत हो गया है, अब ऐसे स्थिति में पता नहीं काम पकड़ना ही पड़ेगा। अब जाएंगे रांची तो पहले कुछ काम देखेंगे, कहीं के पकड़ लेंगे, नहीं होगा तो जोमेटो में ही, पार्ट टाइम तो कभी कभी मैं कर ही लेता था, अब फुल टाइम करेंगे काम। और आप लोगों का कहीं ना कहीं कहा वो सच हो गया, काम पकड़ लो, काम करो, यूट्यूब से कुछ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बात नहीं, हम बर्बाद तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइप पे कमेंट करते हैं जो कि हम ये भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसा कमेंट करते हैं हमें। आखिर हमारी क्या गलती है, हमने क्या आपका बिगाड़ा है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, आप लोग अगर किसी का भलाई नहीं कर सकते हैं ना, उसका बुराई भी मत कीजिए। आपको हक ये नहीं बनता है किसी को बर्बाद करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोग जो हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट पढ़ते हैं पर दिल को मेरा छू जाता है, लगता है वो अगर मेरे पास होते तो उनके सामने मैं हाथ जोड़ता, उनको प्रणाम करता, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करते हैं सिर्फ आंसू के सिवा कुछ नहीं छोड़ जाते हैं। पता नहीं दुनिया में भलाई बुराई दोनों क्यों है, जहाँ पर बुराई है अगर 70% तो 30% ही भलाई करने वाले लोग हैं। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों बनाया है, नहीं पता। बार बार आप लोग बोलते हैं रूबी के बारे में ससुराल नहीं जाती है, तो दोस्तों इसके प्रति बहुत बड़ी रीज़न है, आप लोग शायद जानने की कोशिश नहीं किए होंगे। उसके प्रति आपने पिछले वीडियो में देखा था क्या क्या कैसे हुआ था, इसके पहले सारा कहानी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस दोनों के प्रति मतभेद है, हमारे घर वालों के प्रति रूबी के प्रति, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं दोनों एक दूसरे को, जिस कारण ये झेलना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सब दिन के लिए हम लोग बाहर रहेंगे, आज न कल एक दूसरे को लोग समझेंगे और हम अपने घर जाएंगे, कब तक भला हम ऐसे भटकते रहेंगे यहाँ से वहाँ।
यहाँ भी रहते हैं तो आप लोग कमेंट करते हैं। माइके के घर में रहती है तो दोस्तों क्या कीजिएगा, कभी कभी आदमी की मजबूरी हो जाती है, रहना पड़ जाता है। भलाई उनके घर में रहते हैं लेकिन खुद जो कुछ हमें मिल रहा है वही खाते पीते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ उनके आशीर्वाद ही रहते हैं, वो देंगे तभी हम खाएंगे पिएंगे। पता नहीं दोस्तों आप लोग जो इतना बुरा हमें समझते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ हमसे गलती बोला गया होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, बट हम आपके बुराई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे परिस्थिति में कभी कभी कहा जाता है और इसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं, हमने आपके प्रति जो कुछ गलती बोल दिया या फिर आपको ठेस पहुँचा इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और हम तो ऑलरेडी बर्बाद हो गए, लेकिन हाँ आई होप आपसे उम्मीद करते हैं अगली बार से आप किसी को इस टाइप पे बर्बाद ना करें, इस टाइप पे किसी के प्रति गलत ना सोचें। किसी के भलाई आप नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी मत कीजिएगा, सॉरी दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जो चाह रहे थे वही हुआ, अब वीडियो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ऐसे में कितने लोग हैं जिनको बहुत खुशी मिलेगी, चलो अच्छा हुआ, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको दुख भी होगा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बता दे दुख की क्या बात है, ऊपर वाले ने हमारे साथ चाल खेला है। हम किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहते हैं, बस हमारे किस्मत में शायद यही लिखा था जो हमें भुगतना पड़ेगा।